मुंबई में लगातार बारिश से रेलवे ट्रैक पानी में डूबा, राजधानी और दुरंतो समेत 12 ट्रेनों को रद्द किया गया, घरों में पानी भरा, सड़कों पर नाव उतरी। थाईलैंड की गुफा में फंसे 8 बच्चे निकाले गए, बाकी 4 बच्चों और उनके कोच को निकालने के लिए गोताखोरों का अभियान कुछ देर में शुरू होगा। समलैंगिकता अपराध है या नहीं, 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू की, सुनवाई टालने की केंद्र की अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ रेप और मर्डर केस के सभी अभियुक्तों को पंजाब की गुरदासपुर जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया। एनजीटी ने केंद्र और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर पूछा, 4 धाम परियोजना के तहत निर्माण से निकलने वाले मलबे का निस्तारण कैसे हो रहा है। शोपियां में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, 2 मारे गए। 42 पूर्व नौकरशाहों ने केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को हटाए जाने की मांग की, झारखंड में लिंचिंग के दोषियों का स्वागत किया था। जापान में बारिश से मरने वालों की संख्या 122 हुई, पीएम शिंजो आबे ने अपनी विदेश यात्रा रद्द की। और फीफा वर्ल्ड कप 2018 का पहला सेमीफाइनल आज फ्रांस और बेल्जियम के बीच, अपने स्टार खिलाड़ी रोमेलू लुकाकू से बेल्जियम को खासी उम्मीद।